दोस्तों मेरे पास एक रियलमी का डिवाइस आया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि पिन लॉक लगा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसका पिन और FRP को कैसे निकालेंगे विदाउट PC, इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, वो भी विदाउट PC दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसका मॉडल शायद आपको देख के भी पता चल गया होगा, लेकिन इसका अगर कन्फर्म मॉडल आपको करना है तो एमरजेंसी में डायल करना है *#899#, आपको डायल करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सॉफ्टवेयर वर्ज़न में आना है। सॉफ्टवेयर वर्ज़न में आने के बाद सबसे फर्स्ट में आप देखिएगा RMX जो मॉडल है इसका वो लिखा रहता है। इसे आप गूगल पे सिंपली सर्च कीजिएगा तो एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मॉडल है, ठीक है। तो दरअसल ये जो मेरा मॉडल है दोस्तों वो Narzo 30 5G है ये, ठीक है। तो इस डिवाइस को सबसे पहले मैं पावर ऑफ कर देता हूँ हार्ड रीसेट करने के लिए, यानी इसका जो पिन को अनलॉक करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको वॉल्यूम डाउन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं भी प्रेस करूँगा, तो वॉल्यूम डाउन और पावर दोनों को एक साथ आपको प्रेस करना है, ठीक है। ये देखिए मैं वॉल्यूम डाउन को प्रेस करके रखा हूँ सबसे फर्स्ट, उसके बाद पावर को प्रेस करता हूँ। एकदम ईजी मेथड मैं आपको बता रहा हूँ भाइयों। जैसे मेरा डिवाइस ऑन हुआ, मैंने पावर को छोड़ दिया और वॉल्यूम डाउन को प्रेस करके रखा, उसके कुछ सेकेंड बाद मैंने वॉल्यूम डाउन को भी छोड़ दिया, ठीक है। यानी जैसे डिवाइस ऑन होता है पावर को छोड़ देना, वॉल्यूम डाउन को प्रेस करके रखना, कुछ सेकेंड बाद आपको वॉल्यूम डाउन को भी छोड़ देना। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरा जो डिवाइस है वो रिकवरी मोड में आ चुका है। उसके बाद आपको सिंपली इंग्लिश सेलेक्ट करना है, उसके बाद वाइप डाटा, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट डाटा, ये देखिए नीचे में लिखा हुआ फॉर्मेट डाटा, सिंपली आपको इसमें क्लिक कर देना। आप ये देख सकते हैं प्लीज़ इंटर वेरिफिकेशन कोड, ठीक है। तो इसमें वेरिफिकेशन कोड आ रहा है दोस्तों। अगर आपके डिवाइसों में वेरिफिकेशन कोड नहीं आ रहा है तो फिर आपको PC से करना होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन इसमें वेरिफिकेशन कोड आ रहा है। अगर आपके पास, अगर आपका खुद का फ़ोन है या फिर आप एक शॉप वाले हैं, अगर आपके पास डिवाइस ऐसा आता है तो एक बार हार्ड रीसेट ज़रूर किया कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हार्ड रीसेट परफेक्ट वर्क करेगा क्योंकि इसमें वेरिफिकेशन कोड आ रहा है, ठीक है। जितना बार आप इसे बैक जाइएगा, वापस आइएगा, तो ये चेंज होता रहता है वेरिफिकेशन कोड, ठीक है दोस्तों। सिंपली आपको जो कोड है वो आपको डायल करना है, उसको फॉर्मेट कर देना, बहुत ही ईजी सा प्रोसेस है। तो आपको यहाँ पर ये कुछ समय लेता है, उसके बाद आपका जो डिवाइस है, जो भी आपके डिवाइस में जो भी डाटा वगैरह होगा दोस्तों, वो टोटल रीसेट हो जाएगा, ठीक है। चाहे वो फ़ोटो हो या फिर जो भी कुछ हो। बहुत सारे ऐसे भाई हैं, शायद उन्हें पता नहीं है इसीलिए वो कमेंट करते रहते हैं कि मतलब भाई इसमें जो भी कुछ है वो डिलीट हो जाएगा। तो शायद उन भाइयों को पता नहीं है, इसीलिए मैं कह दे रहा हूँ कि जो भी इसमें कुछ रहता है वो आपका रीसेट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली आपको पता ही होगा आपका डिवाइस रिबूट होगा और इस जगह पर थोड़ा सा अटका रहेगा। तो फिलहाल आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है, कुछ नहीं करना। अगर चार्ज नहीं है तो चार्ज में लगा के करें तो बेहतर होगा दोस्तों, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। बहुत सारे लोगों का डिवाइस इस जगह पर आकर वो बंद हो जाता है, फिर ऑन नहीं होता, बहुत सर दर्द होता है। तो इसके लिए अगर आपके डिवाइस में चार्ज नहीं है तो चार्ज में लगा कर ही अपना ये जो प्रोसेस है वो करें, क्योंकि इस दरमियान थोड़ा सा चार्ज भी खाता है, और चार्ज में लगा के करें सबसे बेस्ट है। कहने का मतलब ये है कुल मिला के, ठीक है दोस्तों। वीडियो के साथ अभी तक बने रहें क्योंकि दोस्तों आगे आपको जाहिर सी बात है इस डिवाइस में अगर पिन लॉक लगा हुआ है तो लाजमी है कि FRP भी होगा। तो FRP को कैसे बाईपास करना है विदाउट PC, वो भी इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो फिलहाल मैं नहीं चाह रहा हूँ दोस्तों कि वीडियो को स्टॉप करूँ, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि वीडियो को स्टॉप करना पड़ता है क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा डिवाइस कम्प्लीटली फॉर्मेट हो चुका है। फॉर्मेट होने के बाद ये देखिए स्किप नहीं होगा क्योंकि इसमें FRP लगा हुआ है, ठीक है, गूगल वेरिफिकेशन जिसको कहते हैं। अब यहाँ पर आपको देखिए मैं बैक करता हूँ, इमरजेंसी में फिर से आपको डायल करना है *#813#, आपको डायल करना है, डायरेक्टली आपका जो FRP है वो बाईपास हो जाएगा। हालांकि इसमें एंड्रॉयड 11 है दोस्तों और सिक्योरिटी भी लेटेस्ट है, फिर भी बाईपास हो जा रहा है। देखिए अगर हो सकता है आने वाला कल में कुछ कंपनी की तरफ से अपडेट आया जिसमें FRP बाईपास ना हो, तो मैं नेक्स्ट टाइम अगर मेरे पास ऐसा कोई डिवाइस आता है तो मैं उस पर वीडियो तो बनाता ही रहता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल जैसे मेरा बाईपास हो गया मैं उसी टॉपिक पर भी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मेरा इसलिए बाईपास हो चुका है कोड के मदद से। तो आप देख सकते हैं मैं आपको यहाँ पर कंफर्म करवा दे रहा हूँ कि भाई मॉडल कौन सा है, और इसमें आप देख सकते हैं Dimensity 700 का इसमें प्रोसेसर पड़ा हुआ है, और यहाँ पर एंड्रॉयड सिक्योरिटी भी आप देख सकते हैं इसका, जो कि मार्च यहाँ पे 5
और 2022 इसका यानी 2022 का इसमें सिक्योरिटी लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसका आरएमएक्स भी आप देख सकते हैं, मैंने आपको आरएमएक्स वगैरह भी दिखा दिया। और वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो में देखिए भाइयों कोई भी प्रॉब्लम आपको लगता है तो बेफिक्र होकर कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही बना हुआ है। और थोड़ा सा भी आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सपोर्ट, प्लीज़ सपोर्ट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।